लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 71,000 के पार पहुंच गया है। अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 71,369 हो गई है। मंगलवार को देश में अब तक 571 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण के 406 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 383 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में 68, कर्नाटक में 42, आंध्र प्रदेश में 33, ओडिशा में 23, बिहार में 18, चंडीगढ़ में 6, हिमाचल प्रदेश में 3 और झारखंड में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये आंकड़े covid19india.org की वेबसाइट और राज्य सरकारों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार है। इसी बीच आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी नर्सों का आभार जताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे काम करने वाली अभूतपूर्व नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष दिन है। फिलहाल वे covid-19 को हराने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, फ्लोरेंस नाइटेंगल से प्रेरित हमारे मेहनती नर्सिंग कर्मचारियों में प्रचुर करुणा भाव है। आज हम नर्सों के कल्याण के लिए काम करते रहने और इस क्षेत्र में अवसरों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, ताकि देखभाल करने वाले इन लोगों की कमी न हो।